हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हमने लास्ट लेक्चर में अपने फोर टाइप्स ऑफ जो क्वांटम नंबर थे, फोर क्वांटम नंबर्स, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम या ऑफ सेम एटम कैन हैव ऑल द फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम, कैन हैव सेम, यहीं पर डाल दो, सेट ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर, कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले सेम एटम के, उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं आ सकती। कैसे? तो उसके लिए आज मैं फिर से आपके क्वांटम नंबर रिवाइज करवाता हूं, हो सकता है आपने कल प्रॉपरली नहीं कर रखे हों। क्वांटम नंबर हमारे फोर कौन कौन से थे, ओवरव्यू देते हैं आज। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसने मेन सेल के बारे में और उनकी एनर्जी के बारे में बताया, एन से डिनोट किया था, जो 1, 2, 3, 4 या के एल एम एन है। मीन्स एन कहां से निकालेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो भी उसके आगे लिखा हुआ है, जैसे उसने दिया 4p, तो ये 4 क्या है, एन, ध्यान आ गया। सेकंड हमने किया था एजिमुथल क्वांटम नंबर, या इसको एंगुलर या सब्सिडरी या सेकेंडरी जो भी कहना है, वो इसके नेम थे क्वांटम नंबर एल। एल किसके इक्वल था, एन माइनस वन, जो हमने क्या निकाला, अगर एन वन है तो एल क्या आया था, जीरो, मतलब पहली सेल का कोई सब पार्ट नहीं है, सब पार्ट बताते हैं, तो उसमें सिर्फ क्या रहेगा, एस ऑर्बिटल, और एल अब की वैल्यूज इन सब के लिए क्या आ जाएगी, एस के लिए आएगी अब जीरो। अगर एन टू है तो L कितना था, 1, इसका मतलब क्या है, इसमें है 0 और 1, यानी कि 2 में S भी है और 2 में P भी है, तो P के लिए वैल्यू क्या रहेगी, 1। N अगर हमारा 3 है तो L कितना है, 2, माइनस 0, 1 एंड 2, थर्ड सेल में क्या होगा, 3SB, 3PB और 3DB, D के लिए क्या होगा, 2। ऐसे ही अगर N 4 है तो L कितना आएगा, 3, 0, 1, 2 एंड 3, SPD एंड F, फोर्थ सेल में क्या है, SB है, PB है, DB है और FB है, तो F के लिए क्या हो जाएगा, 3। ये वैल्यूज हम यूज करेंगे। अगर 4P है तो इसके लिए हमारा L कितना होगा, L होगा यहां पर P के लिए 1 होता है तो 1, क्यों, क्योंकि अब ये नहीं लेना कि 4 था सर N, तो L आना चाहिए 3, बिल्कुल ठीक है बात, अगर ये 4 है तो क्या आएगा, 3, लेकिन कब आता वो 3, अगर ये 4F होता, क्योंकि फोर्थ में तो D भी है, F भी है, S भी है। अब मैंने जैसे कल भी बताया था कि ये तो कोई, तुम खुद बताओ, ये कोई बात बनेगी क्या, 4S, 4P, 4D और 4F, कि मैं इसके लिए भी L क्या लिखूं, 3 लिखूं, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3 और उसके लिए भी 3, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, सबका अलग होगा। ऐसे है तो उसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, L की वैल्यूज ये आएंगे, गॉट इट। फिर था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हमने M से डिनोट किया था, वो क्या था, माइनस L, 2 प्लस L आया था, इंक्लूडिंग 0, 0 को इंक्लूड करते हुए, जैसे L अगर हमारा 0 है तो 0 ही रहेगा, फॉर L इज इक्वल टू 1, यानी कि N अगर 2 है, L 1 है, तो ये क्या होगा, माइनस 1, 0 एंड प्लस 1। मीन्स P के 3 पार्ट होंगे, PX, PY, PZ, हर एक के लिए वैल्यूज अलग अलग थी, PZ के लिए क्या है, 0 थी, PX और Y की हमने बताया कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये हमने अलग अलग कर लिए समझने के लिए, इजी करने के लिए, अदरवाइज इनके कंबाइन फॉर्मेट होता है X और Y का,
प्लस वन और माइनस वन हमने कंसिडर की। ऐसे ही फिर क्या होगा, एन अगर हमारा थ्री है तो एल कितना था, टू, मीन्स माइनस टू माइनस वन जीरो, प्लस वन एंड प्लस टू, ये फाइव है। इसमें भी हमारे पास क्या क्या हुए थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। इसके लिए जीरो वैल्यू ली थी हमने, इसके लिए प्लस की टू थी, इसके लिए जेड और एक्स है तो प्लस वन, जेड और वाई है तो माइनस वन, और यहाँ माइनस टू यूज करने के लिए। ऐसे ही फिर हमारा एफ है, एफ के अंदर कितने पार्ट होंगे, एफ थ्री है तो क्या होंगे, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, मीन्स सेवन पार्ट होंगे। और यहीं से मैक्सिमम हमारे किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ये भी पता चलता है, ऑर्बिटल में तो दो ही आएंगे, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो आ सकते हैं। अगर कोई कहे कि 4p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो सिक्स, अब ये क्या हुआ कि मैं दो कह रहा हूँ और छः भी, एक ऑर्बिटल ये हुआ, इसमें कितने आएंगे टू, इसमें भी कितने आएंगे टू, इसमें भी कितने आएंगे टू, पार्ट तो पी के ही है। अगर मैं 4p कहूँ तो उसमें 4p x भी है, 4p y भी है, 4p z भी है, टू टू टू, यानी कि 4p में टोटल कितने हैं सिक्स। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आ जाते हैं कि वो दे देगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन 4p x। अब उस टाइम पर ध्यान क्या होता है, अब आगे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, हम बार बार यूज करेंगे, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे 2p में आएंगे, 6d में आएंगे, 10f में आएंगे, 14, हम ये लाइन बार बार यूज करेंगे तो उससे माइंड में क्या सेट हो जाता है, p में 6, तो वहां पर आंसर क्या लगाएंगे बच्चे, 6, और वो क्या होगा रॉन्ग, क्यों, क्योंकि एक्स में तो दो ही आएंगे ना बेटा, तो 4p पूरा होता तो 6 थे, अकेला पी एक्स, क्योंकि एक ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम ऑब्वियसली टू, तो इसमें तो आएंगे टू। अगर वो कहे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन 4p तो ये आएंगे 6, क्योंकि 4p में तीनों पार्ट है। अगर एक्स वाई जेड अलग से मेंशन करे तो टू इलेक्ट्रॉन्स, तो ध्यान रखना इनमें मिसमैच या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है, गॉट इट। अब डी में 10 क्यों है, क्योंकि डी के पास है ये 5 पार्ट्स, टू 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 और टू, पांचों में अगर दो दो इलेक्ट्रॉन आए तो टोटल होंगे 10। ऐसे ही एफ में है 7 पार्ट्स, हर एक में दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स, गॉट इट। क्योंकि मुझे पता है सबने प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए रिवीजन भी हो गया और हमारा वो प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन हो जाएगा। फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ था स्पिन क्वांटम नंबर, ऊपर ले लिया अब इसको। स्पिन क्वांटम नंबर ने क्या बताया कि एक ऑर्बिटल में पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, कोई भी है, टू इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मींस एक का प्लस हाफ स्पिन होगा तो दूसरे का क्या होगा, माइनस हाफ स्पिन होगा, गॉट इट। अब उसकी ऑथेंटिसिटी देखते, उसको देखते इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नाउ, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने लिया 4p x में 2 इलेक्ट्रॉन ही उठा लिया जो अभी लिखा था, इसके लिए हम कहें कि चारों सेट लिखो क्वांटम नंबर के, n इसके लिए क्या होगा, अब यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, उन दो के लिए अलग अलग पूछ रहा हूं मैं, पहले के लिए भी n क्या है 4, दूसरे के लिए भी n क्या है 4, एक चीज सेम आई, पहले के लिए भी n क्या है क्योंकि पी एक्स ही है, तो पी एक्स में अगर हमने चलो जेड कर दिया, एक्स और वाई का मैं खुद कहता हूं कि फिक्स नहीं है वो, प्लस वन माइनस वन हमने कर रखे हो तो कंसिडर, चलो ये तो फिक्स लेके चले ही थे हम, कंसिडर इसके तो फिक्स की कर रखे हमने जीरो, एल इसके लिए भी क्या है जीरो, ये दो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए भी जीरो, इसके लिए भी जीरो। मैं एम की बात करूं, सॉरी एल तो इसके लिए वन था, ठीक लिखा था हमने, एम के ऊपर लिख रहा था मुझे, जेड है तो एम कितना हो जाएगा जीरो, ये रहा हमारा जेड के लिए जीरो। अब बच गया एस स्पिन, अब सीधी सी बात है दो इलेक्ट्रॉन है, अगर पहले का प्लस हाफ है तो दूसरे का क्या होगा माइनस हाफ, समझे कहां चेंज आ जाएगा। बाकी अगर ये तीन सेम आ गए तो यहां हो गया, अब कोई कहे कि सर मैंने एक कोई भी एटम लिया, कॉन्फ़िगरेशन अभी आपकी नहीं हुई है, अगला टॉपिक आएगा तब बताते हैं, सेफ के बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 3d10। कोई कहे कि सर एक तो ये 4p जेड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक मेरा जो यहाँ 3p आया था उसी एटम में उसके अंदर जेड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब कहे कि सर इसके केस में क्या आता, भाई ठीक है इसके इलेक्ट्रॉन्स के केस में एन तो चेंज हो जाता ना, बाकी भले ही सेम होते। उसने यही तो कहा है कि चारों सेम नहीं हो सकते, ये तीन सेम है इसमें तो फर्स्ट चेंज हो गया। अगर सेम के अंदर इसके अंदर बात करें तो यहां चेंज हो गया स्पिन। कोई ना कोई एक चीज तो कम से कम अलग आएगी, चारों भी अलग आ सकते हैं बट एक तो एटलीस्ट अलग आएगी। अब किसी के माइंड में जाए चारों कैसे अलग होंगे सर, कोई कहे कि भाई एक तो मैंने लिया, तीन चारों तो नहीं, तीन तो अलग हो सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन हो तो चारों भी हो सकती थी। मान लिया मैंने s का एक इलेक्ट्रॉन लिया 2s का, तो n क्या था उसमें 2, l कितना आएगा 0, m कितना आएगा 0, तीनों अलग। s हो सकता है हमने इसका क्लॉकवाइज ले रखा और उसका एंटी क्लॉकवाइज वाला हो, गॉट इट। तो ये अलग ज्यादा तो हो सकते, एक से ज्यादा में तो वेरिएशन हो सकती हैं बट चारों सेम नहीं हो सकते, मेन पॉइंट ये कहा था, गॉट इट। तो आज के लिए मैं आगे नहीं करवा रहा क्योंकि क्वांटम नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर जैसे अभी मैंने बताया इस टाइप से सारे प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक सेप्स के बारे में बताएंगे। बड़ा इजी सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टीज उसमें नहीं आएंगे, वन नोड निकालेंगे फिर हम नेक्स्ट हमारी कॉन्फिग्रेशन पर आएंगे। तो यहाँ तक करना है, ओके।